हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास ऑफ साइंस क्लास सेवेंथ एंड वी आर इन चैप्टर नंबर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट्स में आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे कंटेंट्स को आप लोगों ने पढ़ा है कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट कर सकते हैं पता लगा सकते हैं उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आर एवरी डे लाइफ एवरी डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट किया सो माई डे स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर फाइव टूडे वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स गिवन इन दी एक्सरसाइजेस सो माई डे स्टूडेंट्स लेट्स बिगन विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फाइव एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस आप लोगों को डिफरेंसेस uh, बताने हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में सो so, एसिड और बेसिस की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज फर्स्ट ही कंटेंट में चैप्टर के फर्स्ट ही पेज पर दी हुई है सो so, uh, कैसे आप लोगों को ये डिफरेंसेस लिखने हैं आप लोगों को टू या थ्री डिफरेंसेज एसिड्स और बेसिस के बीच में यहाँ पर लिखने हैं तो माई डेयर स्ट्रेंड्स हाउ यू हैव टू राइट द डिफरेंसिस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड सेकेंड जो पॉइंट है एसिड्स के बारे में एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस ब्लू लिटमस को रेड कलर में टर्न कर देते हैं एसिड्स एंड बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं बेसिस आर बेटर टू टेस्ट एंड बेसड टर्नस रेड लिटमस टू ब्लू बेसिस क्या करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं और बिटर टेस्ट के होते हैं और अगर आप इसको छू करके देखेंगे बेसिस सॉल्यूशंस को तो बेसिस आर सोपी टू टच आपको कैसा फील होगा सोपी फील होगा सो माय डियर स्टूडेंट्स हियर इन दिस वे यू कैन राइड द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस इन योर नोटबुक आप लोग अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिख सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू वॉट इज इट्स नेचर अमोनिया बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है जैसे विंडो क्लीनर होते हैं सो माई डेयर फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने खुद ही दे दिया है इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है सो वॉट इज द नेचर अभी हम लोगों ने ऊपर डिफरेंसेस में पढ़ा है कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं सो वॉट इज़ द नेचर ऑफ अमोनिया द नेचर ऑफ अमोनिया इज वाट बेसिक बेसिक इन नेचर अमोनिया का जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेसिक नेचर का होगा अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट रेड लिटमस टू ब्लू आपको सिर्फ सिंपल वन सेंटेंस में आंसर लिखना है अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड क्वेश्चन नेम सोर्स विच फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑप्टेन। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से हमें मिलता है उस सोर्स का आपको नाम बताना है वॉट इज़ द यूज़ ऑफ़ दिस सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है ये भी आप लोगों को बताना है सो माई रे स्टूडेंट्स एज इन दी प्रीवियस वीडियोज़ यू हैव लर्न अबाउट लिटमस इज नेचुरल सोर्स ऑप्टेन फ्राम लिचिन प्लांट्स लिचन जो प्लांट्स होते हैं उससे लिटमस हम लोगों को मिलता है और उस सॉल्यूशन का यूज़ हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को पता लगाने के लिए एज अ इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं

इट इज यूज एज इंडिकेटर और ये किसके जैसे वर्क करता है इंडिकेटर के जैसे वर्क करता है सो लिटमस सोल्यूशन इज ऑप्टेन फ्रॉम एक्सक्रेक्ट ऑफ लीचेंस लेचिन प्लांट से हम लोगों को ये लिटमस सॉल्यूशन मिलता है और एज आ इंडिकेटर यूज करते हैं सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ क्वेश्चन इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है बेसिक नेचर का होता है या न्यूट्रल नेचर का होता है हाउ वुड यू वेरीफाई इट सो माई डे स्टूडेंट्स आप लोग लिटमस टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं और यू कैन ईजीली फाइंड दैट द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल ये आप लोग कर सकते हैं सो हाउ डूड यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिस्कस आंसर नंबर फोर डिस्टिल्ड वाटर इज नेचुरल वी कैन वेरीफाई इट बाय शोइंग दैट नाइदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर बैंड डिप्ड इन इट जब भी आ, आप ब्लू लिटमस से या रेड लिटमस से आप इन तीनों वॉटर्स को चेक करेंगे तो आपको ऐसे एसिडिक uh, सॉल्यूशंस होंगे तो आपको भी कलर चेंज मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन होगा तो भी कलर चेंज मिलेगा किसी एक लिटमस पर तो आप लोगों को चेंज मिलेंगे बट अगर डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी लिटमस से कोई भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज़ वॉट न्यूट्रल नेचर का होता है कैसे नेचर का होता है न्यूट्रल नेचर का सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर का ये आंसर है आप लोग इसको नोट कर सकते हैं नाउ माई डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब दी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल की हेल्प आप लोगों को लेनी है और न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है सो पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा आंसर आपकी बुक में ही यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं

ये एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पूरा ही एग्ज़ाम्पल दी फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल तो ये यहाँ पर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आप लोगों को मिलेगा तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लेकर के लास्ट यहाँ तक आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव